साथियों, अगर बात ऐसी कही जाए कि हम कुछ ऐसे नुस्खे को अपने चेहरे पे इस्तेमाल करें कि हमारे चेहरे की सारी विसंगतियां बैलेंस हो जाएं, सारे ऑयल्स बैलेंस हो जाएं जो कि स्किन के मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो यह बात समझ में आती है कि अगर हमारे ऑयल बैलेंसेस हो जाएंगे तो हमारी स्किन का वियर एंड टियर कम हो जाएगा और एक एंटी एजिंग के रूप में ऐसी पदार्थ बहुत लाभ देंगे जो हमारे ऑयल्स को स्किन के बैलेंस कर सकते हैं। आज हम बात बताएंगे आपको ऐसा अद्भुत घरेलू नुस्खा जो आपके इन्हीं स्किन ऑयल्स को बैलेंस कर देगा। नमस्कार साथियों, आज एक बड़ा ही रोचक टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं और टॉपिक है एंटी एजिंग नेचुरल ऑयल बैलेंस ऑफ स्किन। अगर हमारे चेहरे की, कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो यदि हमारे चेहरे की स्किन के ऑयल बैलेंस रहेंगे तो फिर हमारे चेहरे की स्किन लंबे समय तक हमारा साथ देगी। तो आज इसी सोच के साथ, इसी आइडिया के साथ हम आपके सामने नेचुरल ऑयल बैलेंस के एक अद्भुत नुस्खा लेकर आए हैं। वह नुस्खा जो घर में रखे सामान से आप अपने एप्लीकेशन करके स्किन पे अपने ऑयल को बेहतर रूप से बैलेंस कर सकते हैं। यह वीडियो दिवाली के दौर में बन रहा है, पीछे आप पटाखे की आवाज़ सुन रहे हैं, बगल में दिए भी चल रहे हैं साइड में, तो यह सब आपके एक अच्छा फेट हो, आपका आगे अच्छा वक्त आपका जैसे बीत रहा है उससे और अच्छा बीते, इसलिए यह सब आपके क्लिनिक पे दिए भी जल रहे हैं, सब कुछ है। तो साथियों, नेचुरल ऑयल बैलेंस अगर हमारी स्किन का हो जाए तो स्किन टाइट भी रहेगी, स्किन में शाइन भी रहेगा और एंटी एजिंग के रूप में हमारी स्किन अच्छा काम करती रहेगी, हमारी उम्र से हमको कम दिखने में मदद करेगी और उससे ज़्यादा खुद को कॉन्फिडेंस देने में मदद करेगी। आज हम साथियों आपको बताते हैं कैसा अद्भुत नुस्खा जो आपके स्किन को बैलेंस कर देगा नेचुरल ऑयल्स को और आपको ठीक कर देगा। और बहुत आसान नुस्खा है, ये सारा सामान आपके घर पे मौजूद है। आपको साथियों इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सारी रिसर्च हम कर चुके हैं, आपको बस मेरी बात को मान लेना है। आपको लेना है साथियों एक चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। अगर एक्स्ट्रा वर्जिन यानी कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल ना हो तो आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल यानी नारियल के तेल यानी गरी के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक चम्मच आपको ले लेना है नारियल तेल, उसमें आपको एक चम्मच ऑरेंज जूस ऐड करना है। ऑरेंज का जूस यानी संतरे का रस कर देना है और आपको आधा चम्मच हनी यानी कि शहद उसमें ऐड कर देना है। इसको आपको अच्छे से चर्न करना है, थोड़ी देर तक फेंटना है। ऑयल में ऑरेंज जूस मिलेगा तो नहीं, लेकिन उसके जो कोलाइडल पार्टिकल्स कोलॉइड्स के रूप में उसमें बीच बीच में सस्पेंड हो जाएंगे, तो उतने से ही आपका मोटिव हल हो जाएगा कि ऑरेंज जूस को कोकोनट ऑयल के साथ स्किन में कैसे पहुंचाया जाए। इस मिक्सचर को, इस सॉल्यूशन को आपको चेहरे पे अच्छे से मसाज कर लेनी है। जब भी आप कोई सॉल्यूशन का मसाज करें उसको आप पहले हाथ में रख के थोड़ा एनर्जाइज कर लें। जब ये एनर्जाइज हो जाता है, थोड़ा चार्ज हो जाता है, तो इसका जो परफोरेशन होता है स्किन में वो बहुत अच्छा होता है। तो आप और एनर्जी सारे शरीर की, जो हम लोग की नाड़ियाँ होती हैं उनकी एनर्जी एक जगह समाहित हो जाती है जब दोनों हाथ आप मिलाते हैं। तो आपको इसको मिक्स करके चेहरे पे लगा लेना है और आधे घंटे तक लगा रहने देना है। आधे घंटे बाद आपको इसको साफ कर लेना है नॉर्मल वाटर से और धीरे से चेहरे को पोंछ लेना है। ऐसा आप 20 दिन तक लगातार करेंगे तो आपको जो अपनी स्किन की कमियां महसूस होती हैं
ऑयल बैलेंस हो जाएगा, और ऑयल बैलेंस हो जाएगा तो सारी कमियां स्वतः ही सही हो जाएंगी। किसी भी कारण को ख़त्म कर दो तो बाकी सब अपने आप ख़त्म हो जाता है। जैसे कि कोई भी अपराधी हो तो उसके आय का स्रोत काट दो, ख़त्म कर दो, तो वह अपराधी भी ख़त्म हो जाता है, बड़े से बड़ा माफिया ख़त्म हो जाता है। इसी प्रकार से जब आप स्किन में ऑयल बैलेंस कर देते हैं तो स्किन में होने वाली सारी विसंगतियाँ स्वयं ख़त्म हो जाती हैं। और साथियों, इसको आप 20 दिन तक करिए, और हम आपको यह भी बताते हैं कि आखिर ये क्यों वर्क करेगा, क्या क्या कंपाउंड्स हैं जो स्किन को इस नुस्खे से मिलेंगे। कोकोनट ऑयल में साथियों पाए जाते हैं मीडियम चेन अमीनो एसिड्स। मीडियम चेन अमीनो एसिड्स जो होते हैं या सबसे फेवरेबल अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपके चेहरे को, स्किन को नरिश करने के लिए अत्यावश्यक होते हैं, और यह कोकोनट ऑयल में सुविधा से उपलब्ध हैं। इसके अलावा पाल्मिटिक एसिड, लॉरिक एसिड, तमाम कंपाउंड्स पाए जाते हैं कोकोनट ऑयल में जो आपके स्किन के लिए बेहतर है। हनी साथियों शहद आपकी स्किन की रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ROS को कम करता है, क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। यह फ्लेवोनॉइड्स आपके स्ट्रेस को कम करते हैं, तो यह आपकी स्किन को हेल्प करेंगे। तो आप इस अद्भुत घरेलू नुस्खे को बैलेंसिंग करने के लिए, बैलेंसिंग ऑफ ऑयल्स करने के लिए स्किन में, जो कि एंटी एजिंग के लिए अत्यावश्यक है, उसके रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको साथियों 20 दिन तक करिएगा एंटी एजिंग पैक को, और हमको व्हाट्सएप पे बताइएगा कि आपको इस नुस्खे से क्या लाभ हुआ या नहीं हुआ। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यहीं प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।